मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ मुकद्दस सफ़र का करें आगाज। लो बजट और बेहतरीन सहूलतें। 5 नवंबर से काफिलों की रवानगी, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 21 अक्टूबर की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। इसराइल हमास जंग के दरमियान मासूम फ़लस्तीनियों की शहादतें, हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी। गज़ा पर इसराइली फ़िज़ाया की बमबारी में जहाँ बहक होने वालों की तादाद 4,100 से कर गई तजावुज़, वहीं हमास हमलों में 1,400 से ज़ायद इसराइली भी हलाक। कतरी कोशिशों के सबब हमास ने 2 अमेरिकी कैदियों को इंसानी हमदर्दी की बिना पर कर दिया रिहा। फ़लस्तीन की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे जारी। तुर्क शहर इस्तनबुल में लाखों लोगों का गजा से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गजा में तशद्दुद पर तकलीफ, 1967 की सरहद पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बनाया जाए यकीनी। इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े पर छिड़ी बहस को लेकर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दिया नया मोड़। हमास और रूस को एक पैमाने पर तोलते हुए बाइडन ने दोनों को करार दिया जमहूरियत का दुश्मन। अपने दौरा इसराइल के दौरान बाइडन ने हमास को सजा देने की ज़रूरत पर दिया था जोर। एक आज़ाद फ़लस्तीनी हुकूमत के ख़याम के बग़ैर मसले का कोई हल मुमकिन नहीं। इसराइल हमास जंग के दरमियान अक़वामे मुत्तहिदा के चीफ़ एंटोनियो गुटरेस ने किया वाज़ह, बैनुल-क़ौमी इंसानी क़वानीन के एहतराम की ज़रूरत पर दिया जोर। कहा, शहरियों का तहफ्फुज़ लाजमी, अस्पताल, स्कूल और शहरियों पर हमले नाकाबिले क़बूल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत की बहाली को चैलेंज करने वाली एक PIL को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मुस्तरद। दरख्वास्त खारिज करते हुए साथ ही अर्जी गुजार पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना किया आयद। सरबराही बेंच ने कहा, अर्जी कानून के अमल का गलत इस्तेमाल। जेल में कैद SP लीडर आजम खान की नहीं कम हो रही मुश्किलात। टैक्स चोरी का मामला अब इनकम टैक्स और CPWD की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी पर मारा छापा। यूनिवर्सिटी में सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। CPWD ने जौहर यूनिवर्सिटी में तामीर शुदा इमारतों की तामीर की लागत का लिया जायजा। बार बार MIM को बी टीम करार देने को लेकर राहुल गांधी और अमित शाह के अल्जामात पर असदुद्दीन ओवैसी बरहम। कहा, तमाम सियासी जमातें पहले इस बात का फैसला कर ले कि आखिर ओवैसी है क्या। दावा किया, तेलंगाना के इंतखाबात के अख्तिताम तक दोनों पार्टियां मजलिस को निशाना बनाते हुए चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। तेलंगाना में अपने आखिरी दिन राहुल गांधी ने किया दावा, झूठे वादे करने नहीं आए हैं, बल्कि कर्नाटक व दीगर रियासतों में जिस तरह वादों पर अमल किया गया उसी तरह तेलंगाना में भी अमलावरी का दिलाता हूं यकीन। KCR ने 10 साल में जो दौलत लूटी उसे अवाम की जीत में करेंगे मुंतकिल। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर कायद R चंद्रशेखर रेड्डी मिनिस्टर KTR की मौजूदगी में BRS पार्टी में हो गए शामिल। KTR ने कहा, तेलंगाना से KCR को जितनी हमदर्दी और मोहब्बत है उतनी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को नहीं है। मजीद कहा, BRS किसी की बी टीम नहीं बल्कि तेलंगाना आवाम की AT। अगर कांग्रेस तेलंगाना में बरसर इख्तदार आ गई तो हर साल चीफ मिनिस्टर होता रहेगा तब्दील। रियासती होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली का बयान। दावा किया, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तारीख गवाह है, कांग्रेस ने कभी मुस्तहकम हुकूमत नहीं की फराहम। तेलंगाना में मुस्तहकम हुकूमत के लिए BRS की तायीद की, आवाम से की अपील। ये थी टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ मुकद्दस सफ़र का करें आगाज। लो बजट और बेहतरीन सहूलतें। अब कम कीमत पर अदा करें उम्रा। 5 नवंबर से काफिलों की रवानगी, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। हैदराबाद से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मुअल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सआदत व मुकद्दस मकामात की जियारत। मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के करीबी स्टार्स होटलों में क़याम। 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत। अभी बुक करें और पाए स्पेशल डिस्काउंट। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रेवल्स, काकाजी टावर्स, तैबा मार्केट, नियर ओल्ड चार मीनार बस डिपो, हैदराबाद।